खिलाफ संधु था ग्राम पिता जी असी ने कोई इन्हों का कुछ जोड़े आए थे जी साढ़े घर बैठे थे भतीजे थे मेरे भरा इन्होंने झूठा इल्जाम लाया जी साढ़े वाल कितने वैसे होने कुड़ी जी ये उरे सुंदर बस्ती चाहिए हुई अच्छा की नाम है मुड़ा जी गुरदीप सिंह अच्छा जी फिर की हुआ जी कारण की उन्हें चोरी का इल्जाम लाया जोड़ा इन्हें कहते जी पांच तोले सोने के लैके 50,000 रुपया लैके जी साढ़ा तो दो ये भरा तो एक मेरी सस तो एक कहते तो एक मेरी भतीजे नूँ अच्छा जी साढ़े गुमांड की नूँह जी उस टाइम ये ताड़े घर बैठी सी गई हाँ जी साढ़े घर बैठे तुम हूँ की मांग करते हो जी असं ये मंग करते हैं जी इन्हों यही नतीजा मिलना चाहिए झूठा इल्जाम साढ़े घर लाया जी जो मैडम एक तुहाडे कुछ समा पहला जी तुहाडे पति नाम गुरदीप सिंह नाम उन्होंने हाँ जी उन्होंने एक सुट के इल्जाम लाया सीगा भी उन्होंने घर के जिहड़ी तुसीं चोरी की है तो मतलब कि भन तोड़ की उन्होंने गहने वगैरह चोरी करके ले गए बिल्कुल जी ये जी गल है जी बिल्कुल झूठ है जी उस दिन साडा कोई भी परिवार ज मैं कोई भी उत्ते नहीं सी तो जी वारदात हुई है जी उन्होंने वालों ही की गई है मेरे हसबैंड गुरदीप सिंह मेरी सस अमरजीत कौर एक कुड़ी थी उत्थे जी आसा राणी इन्होंने आप ही लोग तोड़े आप ही लोग तोड़ के जी इन्होंने आप ही वीडियो बनाईया व्हाट्सएप पर सेंड की जी इसका कारण की सी जी इसका मुख्य कारण से मेरे पति दे किरणजीत कौर नाम की लड़की नाल नजायज़ संबंध पिछले 4 साल तो जी मैरिज होने कितना टाइम होगा जी साड़ी मैरिज होने 5.5 साल जी अच्छा तुहाड़े बच्चे कितने जी 2 जी ते सुर तो की डिमांड करते सी है। मेरे तो जी दहेज मांगते सी हुण जी ते मेरे पति कहंदे सी वी मैं किरणजीत कौर नाल ब्याह करवाउणा ते मैनूं तलाक दो जी इस कारण उसने उस दिन 19/6 नूं मैनूं अते मेरे दोनों बच्चों जी जान तो मारन की कोशिश की अते मेरे सस भी नाल सी जी अते मैनूं सारे मोहल्ले वालेयां ने ही उत्थे सड़वाया ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ SSP ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕਾਲਜ ਹੜ ਚੰਨੂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਬਾਜੀ SSP ਕੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ